पिछले 24 घंटे में कुछ कुछ स्थानों पर उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश था पूरी जिला में निमापारा में 107.4 मिलीमीटर, उसके बाद कप्तीपारा मयूरभंज जिला में 68.0 मिलीमीटर, राजगढ़ नवरंगपुर जिला में 60.0 मिलीमीटर और हमारा राज्य का एवरेज जो रेनफॉल है इसमें 4.8 मिलीमीटर हुआ है। स्वाभाविक होता 11.9, स्वाभाविक से कम ही था। सीजनल जो रेनफॉल अभी आया है फर्स्ट जून से, मीन्स पहले जून से आज 16 अगस्त तक टोटल रेनफॉल हुआ है उड़ीसा में 673.0 मिलीमीटर, इस समय तक का स्वाभाविक होता है 749.0 मिलीमीटर। बौद्ध जिला में एक्सेस बारिश हुआ है स्वाभाविक से और 18 जिला में स्वाभाविक हुआ है नॉर्मल और 11 जिला में स्वाभाविक से कम बारिश हुआ है, बट हमारा मोस्ट ऑफ द इसमें से मोस्ट ऑफ द जिला में मार्जिनली है डिफिशेंसी। और अभी फोरकास्ट जो हमारा है अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर एयर मिटोपोस्फेरिक लेवल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया ट्रेनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में है। इसका प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन का चांसेस है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एरिया में अराउंड 18th। तो इसका इन्फ्लुएंस में हमारा उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अगला 3-4 दिन का अंदर होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा बारिश का जो फोरकास्ट है इसमें मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ रहेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने का ज़्यादा चांसेस है केंदुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ओंगोल, धनकेनाल, कंधमाल, बौद्ध और कोस्टल विशाखा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और हैवी रेनफॉल का भी चांसेस है केंदुझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, मलकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर कल 17th एंड 18th में बारिश इंक्रीज करेगा, इसमें सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है। कुछ जिला में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है 17th में पूरी, खुर्दा, कटक, ओंगोल, संबलपुर, 18th में कालाहांडी, कंधमाल, बुलांगीर, नोआपारा, मलकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर। और 17th में हैवी रेनफॉल भी रेस्ट ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी नॉर्थ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, साउथ उड़ीसा का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। 18th में साउथ उड़ीसा में और नॉर्थ उड़ीसा में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का चांसेस है। फिर 20th में रेनफॉल एक्टिविटी स्लाइटली कम होने का चांसेस है। इसमें हमारा 19th 20th में कम होने का चांसेस है। 19th में मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। 20th में और भी रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में बारिश जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, आज आफ्टरनून बाय इवनिंग का तरह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश कुछ कुछ स्थानों पर पॉसिबिलिटी है। कल परसों मेनी फ्यू स्पेल्स ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है।